हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर चल रहा था जिसका नाम था आवृतबीजी पादपों में जन्म। उसमें हमने देखा कि आवृतबीजी पादप जो होते हैं दो प्रकार से जन्म करते हैं, एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। हम लैंगिक जनन के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको एक जनरल पुष्प की संरचना बताई थी। मैंने आपको बताया था जब तक हम पुष्प की संरचना नहीं समझ पाएंगे, हम आवृतबीजी पादपों में होने वाले लैंगिक जनन को भी अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो मैंने आपको बताया था पुष्प की संरचना में, पुष्प में मुख्य कितने चक्र होते हैं? चार चक्र होते हैं। मैंने आपको बताया था सबसे बाहर की तरफ आपको मिलता है बाह्य दलपुंज, फिर दूसरे नंबर का चक्र होता है दलपुंज, फिर अंदर की तरफ तीसरा चक्र आपको मिलता है जिसे आप पुमंग बोलते हैं और उसकी एक इकाई को आप पुंकेसर कहते हैं। और ये जो पुमंग होता है ये क्या होता है? नर जनन अंग होता है। और फिर चौथा चक्र हमने देखा था और जो सबसे भीतरी चक्र था उसका नाम था जयान। ये क्या होता है फ्रेंड्स? मादा जनन अंग होता है और इसकी एक इकाई को अंडक कहते हैं। तो इसमें एक दो बात आपको ये याद रखनी है कि जो हमारा कौन सा होता है, एक तो हमारा जो क्या होता है बाह्य दल पुंज होता है, क्या होता है बाह्य दल पुंज, और जो दूसरा हमारा क्या होता है दलपुंज जो होता है, ये हमारे कौन सा चक्र होता है? ये हमारा चक्र होता है पहला, ये हमारा चक्र कौन सा होता है? दूसरा। तो ये जो पहला और दूसरा चक्र होता है इसे क्या किस क्या क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं सहायक चक्र, याद रखिएगा, इन्हें सहायक चक्र के नाम से भी जानते हैं। सहायक चक्र इसको क्यों कहते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा इस कारण। और फिर हमारा तीसरा चक्र था उसे मैंने अभी आपको बताया था, उसे क्या बोल रहे थे? पुमंग। और चौथे चक्र को बोला जाता है जयान, चौथे चक्र का नाम होता है जयान। इन दोनों चक्रों को याद रखिएगा, तीसरे और चौथे चक्र जिसे पुमंग और जयांग बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं? आवश्यक चक्र बोला जाता है, इन्हें आवश्यक चक्र बोलते हैं। अब देखिए जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज होता है इन्हें सहायक चक्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दोनों जो चक्र होते हैं वो जनन क्रिया में क्या करते हैं? मदद करते हैं, या जनन की जो लैंगिक जनन होता है उसके अंदर सहायता करते हैं। इसलिए इन दोनों चक्रों को क्या बोला जाता है? सहायक चक्र। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? जनन में जो लैंगिक जनन है उसके अंदर ये क्या करते हैं? जनन में सहायता करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? सहायक चक्र बोला जाता है। और इन्हें क्या बोलते हैं? पुमंग और जयांग को आवश्यक चक्र बोलते हैं। ऐसा क्यों है? इन्हें आवश्यक चक्र क्यों बोला जाता है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था ये जो पुमंग होता है ये नर जनन अंग होता है और जो जयांग होता है ये क्या होता है? मादा जनन अंग होता है। तो इन दोनों के बिना जनन संभव नहीं हो सकता, ना तो पुमंग के बिना जनन संभव हो सकता है, ना ही जयांग के बिना क्या हो सकता है? जनन संभव हो सकता है। ये दोनों ही क्या करते हैं? ये जनन की क्रिया करते हैं और ये जनन की क्रिया में क्या करता है? मदद। इसलिए इनको बोला जाता है सहायक चक्र और इन्हें बोला जाता है आवश्यकता चक्र, क्योंकि ये जनन की क्रिया के लिए आवश्यक होते हैं, इनके बिना जनन नहीं हो सकता। तो ये आपको एक जनरल सी बात याद रखनी थी कि सहायक चक्र कौन से होते हैं और आवश्यक चक्र कौन कौन से होते हैं। अब क्या करेंगे हम, अब जो हमारा क्या है नर जनन अंग है जो पुमंग है उसके बारे में हम क्या करेंगे? डिटेल स्टडी करेंगे। तो देखिए अब हम देखते हैं नर जनन अंग, या हम कह सकते हैं पुमंग के बारे में देखते हैं, पुमंग क्या होता है इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मैं आपको बता चुका हूं कि क्या होता है, जो पुमंग होता है, पुमंग क्या होता है? नर जननांग होता है। क्या होता है? पुमंग नर जननांग होता है। और ये पुमंग जो होता है कौन सा चक्र होता है? हमें पता है पुमंग जो होता है वो कौन सा चक्र होता है? तीसरा चक्र होता है। तो याद रखिएगा पुमंग जो होता है, पुमंग की एक इकाई को क्या कहते हैं हम? एक इकाई को पुंकेसर कहते हैं, याद रखिए को क्या बोलते हैं? पुंकेसर कहते हैं। अब देखिए अब हम बात करते हैं पुंकेसर की। तो देखिए जो पुमंग होता है उसकी एक इकाई को क्या बोलते हैं? पुंकेसर। अगर हम पुंकेसर की संरचना देखिए तो पुंकेसर की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। देखिए एक पुंकेसर की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, एक पुंकेसर की संरचना जो होती है कुछ इस प्रकार से होती है, याद रखिएगा। अब देखिए पुंकेसर जो है वो क्या है? पुमंग की एक इकाई को कहा जाता है। अब पुंकेसर जो होते हैं उसके दो भाग होते हैं, याद रखिएगा। पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? दो भाग। पुंकेसर के दो भाग होते हैं। अब कौन कौन से दो भाग होते हैं उनके बारे में देखते हैं हम। तो पहला जो पुंकेसर का भाग है ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये यहां से लेके यहां तक का जो आपको एक
तंतुनुमा भाग दिखाई दे रहा है पुंकेसर का, इसे क्या बोल इसे क्या बोला जाता है, याद रखिए इसे बोलते हैं कुतंतु। क्या बोला जाता है? कुतंतु, क्योंकि ये क्या है, तंतु के समान है। इसकी संरचना आप देखेंगे तो ये धागे के समान होता है, तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है, कुतंतु। तो पुंकेसर का एक भाग तो क्या हो गया भाई, कुतंतु हो गया। क्या हो गया? कुतंतु। अब हम बात करते हैं दूसरा, तो पुंकेसर का दूसरा भाग कौन सा होता है, ये जो आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, ये जो आपको ऊपर की तरफ ये जो भाग दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है, पुंकेसर का दूसरा भाग होता है। और इसे याद रखिए क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पराग कोश। इसे किस नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, इसे पराग कोश के नाम से जाना जाता है। तो दो भाग होते हैं, एक तो हो गया कुतंतु और दूसरा भाग कौन सा हो गया, पुंकेसर। अब हम देखते हैं इनका काम क्या होता है। अब देखिए कुतंतु क्या कर रहा है, कुतंतु का काम क्या होता है, तो पुतंतु जो होता है, देखिए जो धागे के समान ये भाग होता है, ये क्या करके रखता है, ये पराग कोश को किससे जोड़ के रखता है, पुष्पासन से या थैलेमस से जोड़ के रखता है। मैंने आपको बताया था ये जितने भी चक्र होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सारे के सारे चक्र जो होते हैं क्या होते हैं, पुष्पासन से जुड़े होते हैं। तो अब देखिए ये तीसरा चक्र है, तो ये जो तीसरा चक्र होता है हमारा, जो पुमंग जो पुंकेसर पुमंग होता है, और इसकी इकाई को जो पुंकेसर बोला जाता है, तो पुंकेसर जो होता है कुतंतु की सहायता से किससे जुड़ा रहता है, पुष्पासन से जुड़ा रहता है। तो पुतंतु क्या करके रखता है भाई, क्या करता है, पुमंग को पुष्पासन से जोड़ के रखता है। पुमंग को किससे जोड़ के रखता है, पुष्पासन से जोड़कर रखता है। अब देखते हैं, अब हम बात करते हैं पुंकेसर के, सॉरी यहां पराग कोश लिखना था, देखिए पराग कोश, दूसरा भाग पराग कोश था, मैंने आपको ये बताया था। तो अब बात करते हैं दूसरा भाग पराग कोश है, तो पराग कोश का क्या कार्य होता है, तो पराग कोश जो होता है वो देखिए, पहले बात करते हैं पराग कोश के बारे में, तो आपको पराग कोश ही दिखाई दे रहा है। पराग कोश क्या होती है, एक थैलेनुमा संरचना होती है। कैसी होती है पराग कोश, एक थैलेनुमा संरचना होती है। अब देखिए पराग कोश होती है वो क्या होती है, एक थैलेनुमा संरचना होती है। अब आपको एक बात याद रखनी है, पराग कोश जो होता है, कोई भी पराग कोश होता है वो दो पालियों के अंदर बटा होता है, एक पराग कोश के अंदर, एक पराग कोश के अंदर दो पालियां होती हैं, दो पालियां होती हैं। अब पालियों का क्या मतलब है, देखिए ये आपको पराग कोश दिखाई दे रहा है, एक थैले के समान संरचना है, तो याद रखिएगा जो एक पराग कोश होता है वो दो पालियों में बटा होता है, पालियों का मतलब दो भागों में बोल सकते हैं, या दो लोब्स जो होती है उनके अंदर क्या होता है, बटा हुआ होता है। तो देखिए पराग कोश है, एक पाली तो ये रही और दूसरी पाली ये रही, तो एक पराग कोश के अंदर कितनी पाली होंगी, याद रखिएगा दो। और एक बात आपको और याद रखनी है कि जो एक पाली होती है, क्या होती है, एक पाली जो होती है वो दो किसमें बटी होती है, कोष्ठकों में बटी होती है, एक पाली दो कोष्ठकों में बटी होती है। तो अब देखिए एक पराग कोश के अंदर कितनी पालियां हैं, दो, और एक पाली के अंदर कितने कोष्ठक हैं, दो, तो टोटल दो पालियां हो गई, तो दो पालियों के अंदर कितने कोष्ठक मिलेंगे, चार। मतलब क्या है इसका, देखिए ये जो पराग कोश होता है इस तरीके से, तो पराग कोश होता है वो एक पराग कोश कितनी पालियों में बटा होता है, दो, एक पाली तो आपकी ये रही और दूसरी पाली आपकी ये रही। अब जो एक पाली है वो आगे दो कोष्ठकों में और बटी होती है, मतलब वो आगे दो भागों में और विभाजित होती है। देखिए तो ये एक पाली है, तो ये दो भागों में विभाजित हो गई, तो एक पाली के अंदर कितने कोष्ठक हो गए, देखिए एक दो, और दूसरी पाली के अंदर भी कितने हैं, एक दो, तो टोटल कितने हो गए, एक पराग कोश के अंदर, एक पराग कोश के अंदर कितने कोष्ठक हो गए, चार कोष्ठक होते हैं। याद रखिएगा एक पराग कोश के अंदर कितने कोष्ठक होते हैं, चार। और आपको एक बात याद रखनी है, ये जो चार कोष्ठक होते हैं इन कोष्ठकों के अंदर ही क्या बनते हैं, पराग कण बनते हैं। याद रखिएगा इन कोष्ठकों के अंदर ही, इन कोष्ठकों के अंदर आपको क्या क्या बनते हैं, पराग कण बनते हैं। तो देखिए ये जो कोष्ठक होते हैं इनके अंदर ऐसे छोटे छोटे क्या बनते हैं, पराग कण बनते हैं। तो आपको बात याद रखनी है इस तरीके से, इसके अंदर क्या बनते हैं, पराग कण।
तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक जो पराग कोष होता है उसके अंदर कितनी कोष्ठक होते हैं, तो एक पराग कोष के अंदर चार कोष्ठक होते हैं। और वो कोष्ठक जो होते हैं वो क्या करते हैं, उन कोष्ठकों के अंदर पराग कणों का क्या होता है, निर्माण होता है। याद रखिए पराग कणों को लघु बीजाणु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पराग कणों को लघु बीजाणु भी बोला जाता है, माइक्रोस्पोर भी बोला जाता है। याद रखिएगा जो क्या होते हैं पराग कण होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, लघु बीजाणु भी बोला जाता है। दूसरी बात एक आपको याद रखनी है, ये जो चार कोष्ठक है ये एक दो तीन चार, जिन कोष्ठकों के अंदर क्या है पराग कण या लघु बीजाणु बन रहे हैं, इन कोष्ठकों को क्या बोला जाता है, याद रखिएगा इन ये जो कोष्ठक होते हैं इन कोष्ठकों को क्या बोला जाता है, पराग धानी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पराग धानी। पराग धानी मतलब जिसके अंदर क्या बन रहे हैं, पराग कण बन रहे हैं। या इसका एक नाम होता है आपको याद रखना है, लघु बीजाणु धानी। क्या होता है? लघु बीजाणु धानी। अभी मैंने आपको बताया था कि पराग कण जो होते हैं उनका दूसरा नाम क्या होता है, लघु बीजाणु भी होता है। अब लघु बीजाणु इसके अंदर बन रहे हैं तो इसे इसलिए इसको क्या बोल दिया, लघु बीजाणु धानी भी बोल दिया। तो इसको कोष्ठ भी बोला जाता है, पराग धानी भी बोला जाता है, लघु बीजाणु धानी भी बोला जाता है, या पराग पुट भी बोला जाता है। आप याद रखिएगा क्या बोला जाता है, पराग पुट। तो ये सारे के सारे इनके नाम है। तो देखिए अब तक हमने क्या देखा, अब तक हमने देखा कि जो एक जो पुमंग होता है वो क्या होता है, नर जननांग जनन अंग होता है, और कौन सा चक्र होता है, तीसरा चक्र होता है। और पुमंग की एक इकाई को क्या बोला जाता है, पुंकेसर बोला जाता है। पुंकेसर के कितने भाग होते हैं, दो। तो ये आपके सामने एक पुंकेसर है, ये पूरा का पूरा पुंकेसर के कितने भाग है, दो। ये कौन सा है, पुतंतु। और ये ऊपर की तरफ क्या है, पराग कोष। अब बात करते हैं पुतंतु क्या है, तो पुतंतु जो होता है एक तंतु के समान भाग होता है जो क्या करके रखता है, पराग कोष को किससे जोड़ के रखता है, सॉरी जो पराग कोष होता है या जो क्या होता है पुंकेसर होता है उसको पुष्पासन से जोड़ के रखता है। अब हम बात करते हैं किसकी, पराग कोष के बारे में। तो पराग कोष एक थैले की नुमा संरचना है, आपको दिखाई दे रहा है कि पराग कोष एक थैले की नुमा संरचना है। और क्या होता है, एक पराग कोष के अंदर कितनी पालियां होती है, याद रखिएगा एक दो, दो पालियां होती है। और जो एक पाली होती है वो कितने कोष्ठकों में बटी होती है, दो। तो टोटल एक पराग कोष के अंदर कितनी कोष्ठक हो जाएंगे, चार कोष्ठक हो जाएंगे, क्योंकि एक पराग कोष के अंदर दो पाली है, एक पाली में दो कोष्ठक हैं, तो दो पालियों के अंदर कितने कोष्ठक हो गए, चार। अब इन कोष्ठकों को क्या बोला जाता है, याद रखिए इन कोष्ठकों को पराग धानी, लघु बीजाणु धानी, या पराग पुट के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि इन कोष्ठकों के अंदर होता क्या है, इन कोष्ठकों के अंदर लघु बीजाणु या पराग कण बनते हैं। फिर अब हमें पता चल गया पराग कोष का कार्य क्या होता है। तो पराग कोष का कार्य क्या है, पराग कोष एक थैले के नुमा संरचना है जिसके अंदर क्या बन रहे हैं, पराग कण बनते हैं। तो अब हम एक बात करते हैं जनरल सी, मैं आपको संरचना बता देता हूं एक बार रफली की, जो हमारा पराग कोष होता है उसकी संरचना किस प्रकार से होती है, एक मैं आपको जनरल सा आइडिया दे देता हूं। इसके बाद हम हालांकि पराग कोष जो है इसकी विस्तृत जो इसकी संरचना है उसके बारे में विस्तृत क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। मैं आपको इसकी एक बार संरचना बता देता हूं जनरल सी किस प्रकार होती है। जो पराग कोष होता है वो कैसा होता है, टेट्रागोनल होता है, या फिर हम बोल सकते हैं चतुष्फलकीय। इसकी चार भुजाएं होती हैं। तो मैं आपको एक जनरल सा आइडिया दे देता हूं कि इसकी संरचना किस प्रकार से होती है, जिससे आपको आगे समझने में थोड़ी सी क्या हो, आसानी हो। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अब आपको क्या करता हूँ, पराग कोष की एक जनरल संरचना बता देता हूँ कि पराग कोष एक्चुअल में होता किस प्रकार से है, किस प्रकार से उसमें कोष्ठक होते हैं और किस प्रकार से पालियां होती हैं, जिससे आपको एक आइडिया आ जाए कि पराग कोष जो होता है वो किस प्रकार का होता है। मैंने भी आपको बताया था पराग कोष जो होता है वो क्या होता है, चतुष्फलकीय या टेट्रागोनल होता है, मतलब उसकी चार भुजाएं होती है। तो देखिए पराग कोष जो होता है वो उसकी जनरल संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। उसके अंदर मैंने आपको बताया था पराग कोष में दो पालियां होती है, तो आप देख सकते हैं ये पराग कोष है, इसके अंदर दो पालियां है, एक तो इस साइड वाली पाली ये हो गई, इसे मैं पाली ए बोल देता हूँ, और दूसरी तरफ वाली ये पाली हो गई जिसे मैं पाली क्या बोल देता हूँ, बी। तो दो पालियां हैं, एक ये पाली हो गई एक ये पाली हो गई। अब आप इसमें देख सकते हैं एक पाली के अंदर कितने कोष्ठक हैं, दो। तो देखिए एक कोष्ठक ये रहा, दूसरा कोष्ठक ये रहा। इसी प्रकार से दूसरी पाली है, इसके अंदर भी एक कोष्ठक ये रहा, दूसरा कोष्ठक ये रहा। अगर हम टोटल काउंट करें तो एक दो तीन चार, मतलब एक पराग कोष में, एक पराग कोष के अंदर कितनी पालियां हुई, याद रखिएगा सॉरी कितने कोष्ठक हो गए, चार क्या हो गए, कोष्ठक हो गए। दो पालियां होती है, कितने कोष्ठक होते हैं, चार कोष्ठक होते हैं। तो अब याद रखिएगा इस प्रकार से क्या होती है, पराग कोष की संरचना होती है। अब
हमें कुछ याद भी रखना है कि कुछ पादप अपवाद ऐसे भी होते हैं, कुछ पादप या पुष्प ऐसे भी होते हैं जिसमें क्या होता है, जिसके पराग कोष के अंदर एक ही पल्ली होती है। तो आपको वो नाम याद रखना है, एक पादपों का समूह होता है जिसे क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, मालवेसी कुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मालवेसी कुल के नाम से जाना जाता है। देखिए मालवेसी क्या होता है, पादपों का एक कुल होता है। अब ये जो मालवेसी होता है इसे याद रखिएगा, भिंडी कुल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भिंडी कुल। तो मालवेसी कुल के जो पौधे पुष्प पौधे होते हैं उनके अंदर जो पुष्प होते हैं, पुष्प के अंदर जो पराग कोष होते हैं, पराग कोष जो होता है वो कितने पाली होता है, याद रखिएगा, एक पाली होता है। वो उसमें कितनी पाली होती है? एक पाली होती है। तो आप मुझे बताएंगे अगर पराग कोष के अंदर एक ही पाली है तो उसके अंदर कोष्ठक कितने होंगे? देखिए एक पाली है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर कितने कोष्ठक होंगे? दो। तो जो भिंडी होती है, भिंडी का जो पौधा होता है, अगर आप उसका पुष्प है, पुष्प में अगर आप उसकी पराग कोष देखें तो पराग कोष के अंदर कितनी पाली मिलेंगी अपने को? एक ही पाली देखने को मिलती है। अब पाली एक है तो कोष्ठक कितने होंगे? दो। तो याद रखिएगा मालवेसी कुल के पौधे जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है, पराग कोष के अंदर हमें एक ही पाली देखने को मिलती है। तो ये हमने आज की हमारी वीडियो थी जिसमें हमने क्या करा, जो नर जनन अंग होता है पुमंग, उसकी संरचना के बारे में देखा कि क्या होता है पुमंग, उसकी एक इकाई पुंकेसर क्या होती है, पुंकेसर के क्या क्या भाग होते हैं, उन भागों के क्या क्या कार्य होते हैं, और हमने पराग कोष की क्या देखी, एक जनरल संरचना का एक डायग्राम देखा। इससे अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, इससे अगली वीडियो में मैं आपको क्या करूंगा, पराग कोष जो होता है या जो एंथर होता है या पोलन सैक जो होता है, इस पराग कोष का क्या होता है, निर्माण किस प्रकार से होता है या इसका क्या होता है, विकास किस प्रकार से होता है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, पराग कोष की संरचना का, पराग कोष की जो भित्ति होती है उसके अंदर कौन कौन सी भित्ति देखने को मिलती है, इसके अंदर और क्या क्या संरचनाएं होती हैं, उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल से स्टडी करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली जो वीडियो होंगी उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।